हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल वाईफाई ज्ञान में। और दोस्तों, यह वीडियो मैं स्पेशली डिमांड पर बना रहा हूँ उन यहाँ पर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में किया था कि सर कुछ हमें ऐसा स्पीच दीजिए जो हम अपने 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर अपने स्कूल में दे सके। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में 26 जनवरी पर एक ऐसा यहाँ पर स्पीच सुनाने वाला हूँ जिस स्पीच को आप अपने कॉलेज में बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों, इस भाषण को 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र अपने कॉलेज में बहुत ही आसानी से बोल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रहेगी आपसे गुजारिश कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। और दोस्तों, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की आगे की अपडेट पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम 26 जनवरी किस रूप में मनाते हैं, यानी कि दोस्तों हमें 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे मनाने का मुख्य कारण है हम किस लिए मनाते हैं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ये तो हमारे भारत के सभी कोने कोने में फैला हुआ है। लेकिन 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 हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था ये तो ठीक है, लेकिन दोस्तों हमारे देश को पूर्ण रूप से आजादी 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी। यानी कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और दोस्तों बता दें कि हमारा देश पूर्ण रूप से आपका 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर आजाद हुआ था, इसलिए 26 जनवरी हम बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। तो अब चलिए सीधा चलते हैं अपनी स्पीच की तरफ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 26 जनवरी पर भाषण हिंदी में, रिपब्लिक डे स्पीच इन हिंदी, यानी कि दोस्तों यह जो हमारा स्पीच है वो बहुत ही यहाँ पर आसान है और सिंपल भाषा में आप अपने स्कूल में बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने स्टेज पे जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या कहना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो जैसे ही यहाँ पर आप स्टेज पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या कहना है, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, मेरा नाम रवि है। जैसा कि यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है तो यहाँ पर अपना नाम ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलना है, मैं कक्षा 10 का छात्र हूँ। हम सब जानते हैं कि हम सब आज यहाँ पर क्यों यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन को हम भारत के गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। उसके बाद आगे आपको क्या कहना है दोस्तों, कि मैं आज एक महान दिन पर आप सभी को भारत के गणतंत्र दिवस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ। उसके बाद आगे आपको बोलना है कि मुझे आप लोगों ने इस अद्भुत अवसर पर ये मौका दिया है, मैं यहाँ आपके सामने खड़े होकर इस शुभ अवसर के बारे में और अपने प्यारे देश के विषय में कुछ शब्द बोल सकूं। उसके बाद दोस्तों, इतना बोलने के बाद आपको आगे बोला है, देशभक्तों के त्याग, तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी का पर्व समेटे हुए है। उसके बाद आगे का शब्द बोलना है आपको, उत्सर्ग और शौर्य का इतिहास भारत की भूमि पर पग पग में अंकित है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों दो लाइन का यहाँ पर मुहावरा आपके सामने दिया हुआ है, तो आपको मुहावरा को कैसे बोलना है, किसी ने सच कहा है कणकण में सोया शहीद, पत्थर पत्थर इतिहास है, इतना आपको दोहा में बोलना है। उसके बाद आगे आपको क्या कहना है, 26 जनवरी हमारे देश के लिए बहुत खास दिन है, गणतंत्र का अर्थ है गणतंत्र, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। उसके बाद आगे बोलना है, इस दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि सभी जाति एवं वर्ग के लोग इसको एक साथ मिलकर मनाते हैं। उसके बाद आगे बोलना है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस का मतलब होता है अपने राजनीतिक नेता को चुनने का अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। उसके बाद आगे का शब्द आपको बोलना है, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके ही भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया है, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आराम से सांसें ले रहे हैं। उसके बाद आगे का शब्द बोलना है दोस्तों, कि भारत देश के कुछ महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों नेताओं में इन महान नेताओं का नाम आता है, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद आगे आपको बोलना है दोस्तों कि उनके इन महान कामों के लिए आज ही उनका नाम भारत के इतिहास में लिखा हुआ है, न सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उनको याद करता है और उनके तरफ बनना चाहता है। लगातार कई वर्षों तक इन महान लोगों के ब्रिटिश सरकार का सम्मान किया और हमारे वतन को उनकी गुलामी से आजाद कराया, भारतवासी उनके इस बलिदान को कभी भुला नहीं सकते हैं, उन्हीं के कारण आज हम अपने देश में आजादी से सांस ले रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आगे का शब्द आपको बोलना है, हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि हमने एक संविधान और संघ में हमारे पूर्ण महान और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे पुरुषों और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है। बात दोस्तों आगे बोलना है कि यह बहुत ही शर्म बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। उसके बाद आगे बोलना है, अब समय आ गया है कि हम दोबारा एक साथ मिलकर अपने देश से इन बुराइयों को बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद दोस्तों आगे बोलना है, हमें अपने भारत देश को एक सफल, विकसित और स्वच्छ देश बनाना है, हमें अपने भारत देश की
गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, ग्लोबल वार्मिंग, असमानता आदि जैसी अच्छी चीजों को समझना होगा और इनका हाल निकालना होगा। उसके बाद दोस्तों आगे आपको कहना है कि आओ करें प्रतिज्ञा हम सब इस पावन गणतंत्र दिवस पर, हम सब बापू के आदर्शों को अपनाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भारत माँ के वीर सपूतों के बलिदानों को हम व्यर्थ न जाने देंगे, जाति धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर नया समाज बनाएंगे। ये चार लाइने का आप दोहा याद करके यहाँ पर स्टेज पर बोल दीजिएगा। उसके बाद आगे आपको बोलना है कि मैं एक बार फिर आपको अपने भाषण को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुझे आप सभी के सामने अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे आपको क्या बोलना है कि आपको भी बात करने का मौका देना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना बोल के दोस्तों आप कह सकते हैं कि मैं अपनी बातों को विराम लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। इतना कहकर दोस्तों आप वहाँ से चले जाना है, आगे आपको कुछ भी वहाँ पर स्टेज पर नहीं बोलना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्पीच आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा भाषण पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।